तो गाइस आप चाहते हो जॉम्बी लेवल का मिशन को फास्ट कंप्लीट करने के साथ साथ उसका भाई रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए अपने आईडी पे, तो मेरे पास ऐसे 4 टिप्स है प्रो वाला, जिसको अगर फॉलो करोगे तो तुम लोगों को भाई बहुत तेज भाई वो मिशन का टोकन मिल जाएगा, जिससे तुम लोग भाई स्कार वगैरह सब कुछ भाई क्लेम कर सकते हो। तो 4 टिप्स भाई ये रहा, इसको भाई अगर तुम लोगों को फॉलो करना होगा तो 4 टिप्स क्या है मेरे को जानने के लिए भाई इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा और मैं अच्छे से एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ भाई तुम लोग भाई चैनल पे जो लोग नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो भाई वीडियो को लाइक करना। तो नंबर 4 पे आता है भाई, 4 पे जो टिप्स आता है उसका नाम है गन स्किन कॉम्बो। देखो भाई लोग, पिछले सीजन पे जब भाई जॉम्बी मोड आया था उसमें भाई बहुत सारा गन स्किन मिला था, तुम लोगों के पास अगर कोई वैसा गन स्किन है तो जॉम्बी लेवल पे ले सकते हो, उसमें भाई बहुत सारा अच्छे से डैमेज देता है और सब कुछ अच्छे वगैरह है। तो तुम्हारे पास भाई अगर कोई भी भाई पिछले सीजन का भाई गन स्किन रहेगा तो उसको भाई इक्विप करो, उसको लेके चलो, तो उससे भाई बहुत अच्छा डैमेज आएगा। लेकिन तुम लोगों के पास अगर वो गन स्किन नहीं रहेगा तो तुम लोग डबल डैमेज गन स्किन ले सकते हो, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा तुम लोगों को। तो अभी बढ़ते हैं भाई नंबर 3 टिप्स के ऊपर। तो नंबर 3 पे आता है भाई कैरेक्टर कॉम्बो। तो तुम लोगों को जॉम्बी लेवल पे भाई कौन सा कैरेक्टर लेके जाना होगा ये भाई सबसे बहुत मेन चीज़ है, तो इसको भाई तुम लोग लेके जाओगे तो इससे तुम लोगों को बहुत अच्छा वाला हेल्प मिलेगा जॉम्बी लेवल पे। तो जॉम्बी लेवल पे ऐसा कौन सा कैरेक्टर कॉम्बो है जो सबसे अच्छा है, तो मैं उसको ही कॉम्बो को तुम लोगों को बताते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले भाई एक्टिव कैरेक्टर पे आता है भाई तुम्हारा ओरियन। तो ओरियन इज़ बेस्ट कैरेक्टर भाई जॉम्बी लेवल के लिए, तो तुम लोग भी जानते हो, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो देख लेना भाई कैरेक्टर स्किल कॉम्बो के बाद लास्ट पे। तो ओरियन लेने के साथ साथ भाई ओरियन का पावर यूज करने के लिए उसके साथ साथ उसका मिगोएल भी रखना पड़ेगा। तो ओरियन के साथ मिगोएल जो एक पैसिव कैरेक्टर है लेकिन ओरियन को भाई चार्ज करने के लिए सबसे बड़ा काम आएगा। तो ओरियन के साथ तो मिगोएल हो गया, लेकिन इसके साथ और एक भी कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा जो डैमेज करने के बाद तुम लोगों को जल्दी से हील करेगा, उसका नाम भाई तुम लोग अभी बताते हैं। जो कैरेक्टर तुम लोगों को हील करेगा उसका नाम भाई लियोन है। तो लियोन को भी तुम लोग यूज़ करना, जिसको भाई डैमेज करने के बाद तक तुम्हें 30 SP भाई तुरंत मिल जाएगा डैमेज के साथ साथ, तो जिसलिए भाई तुम लोग जॉम्बी लेवल पे भाई मेडिकेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और लास्ट कैरेक्टर आता है भाई लेजेंडरी कैरेक्टर जो ग्रेनेड का भाई डैमेज को इंक्रीज कर देगा, तो उस कैरेक्टर का नाम है भाई एल्वारो। तो एल्वारो को यूज़ करने के बाद जब जॉम्बी भाई एक झुंड पे आएगा तुम लोग उस झुंड पे एक ग्रेनेड मार दोगे तो भाई पूरा सारा झुंड ही निपट जाएगा, तो इसलिए भाई एल्वारो को यूज़ कर सकते हो। अगर तुम लोग ग्रेनेड नहीं यूज़ करते तो उसके जगह किली हाथ तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा एल्वारो को यूज़ करने के लिए। जब बॉस फाइट होगा तब एल्वारो बहुत कम आएगा तुम लोगों को, वह हेल्प करेगा बहुत, तो मैं एल्वारो को रिकमेंड करूँगा। तो ये रहा मेरा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन, इसको यूज़ करोगे तो जॉम्बी लेवल पे तुम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो नंबर 2 टिप्स पे आता है भाई तुम लोग भाई सोलो मैच कभी नहीं खेलना जॉम्बी लेवल पे। देखो अगर तुम लोग सोलो मैच पे जाओगे तो रैंडम प्लेयर तुम लोगों को बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर तुम लोगों का फ्रेंड से भाई बंदे लेके जाओगे तो अगर तुम लोग बातचीत करते रहोगे तो भाई तुम लोग जॉम्बी लेवल को इजीली पार कर सकते हो। लेकिन उसी जगह पे अगर तुम लोग सोलो जाके उस मैच पे मैच को विन करने का कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा, आप लोगों को बात नहीं सुनेगा और बंदा अलग अलग फाइट करने जाएगा। और इधर पे भाई चेक पॉइंट को चेक पॉइंट को कलेक्ट करना सबसे मेन पॉइंट आता है, लेकिन वो जो रैंडम बंदा आएगा तो जॉम्बी लेवल से फाइट करने के लिए बिजी रहेगा। लेकिन उसकी जगह पर अगर तुम्हारा कोई अच्छा वाला खास फ्रेंड होगा तो तुम लोगों का बात सुनेगा और बातचीत करते रहोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरा 4 टिप्स था भाई ये था, स्क्वाड गेम खेलो या डुओ गेम खेलो, लेकिन एक बात तुम लोगों को भाई संभल के खेलना पड़ेगा बातचीत भाई, जैसे ही तुम्हारा टीम स्ट्रांग होता जाएगा भाई बातचीत चलते रहेगा तो तुम लोग भाई बहुत जल्दी गेम को विन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग भाई रैंडमली प्लेयर के साथ खेलोगे तो बहुत दिक्कत आ सकता है, तो मेरे बात समझ में आ चुका होगा मेरे को लगता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो आखिरी पॉइंट है भाई बहुत सीरियस पॉइंट है, इसको फॉलो नहीं करोगे तो भाई ये सारा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कोई काम नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो जल्दी से इसको बात कर लेते हैं। तो देखो भाई लोग, नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वो है जॉम्बी टॉर्च। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे भाई, जब आप लोग चारों लोग खेलते हो तो भाई एक बंदा भाई ऐसे ही फाइट करते करते भाई एक बंदा जैसे जिंदा रहता है तो वो भी भाई फाइट करने लग जाता है, लेकिन उसी जगह पे अगर वो भागते रहेगा तो तुम लोग तीनों मिलके मतलब तीनों जिंदा हो सकते हो, लेकिन वो फाइट करेगा तो भाई तुम लोग हार जाओगे। मेरा टिप्स यही है भाई, जैसे ही भाई तुम लोग तुम्हारा टीममेट का भाई तीनों बंदा मर जाएगा, आखिरी बंदा जो रहेगा वो फाइट ना करते हुए भाई एनी मतलब जॉम्बी से डॉच करते रहना, मतलब जैसे भागते रहना चाहिए, नहीं तो भाई वो उमर भी जाएगा तो भाई तुम्हारा गेम भाई ओवर हो जाएगा, इसके बाद तुम लोगों को कुछ रिवार्ड भी नहीं मिलेगा अच्छा वाला। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, जैसे ही तुम लोग आखिरी वाला बंदा बचे रहेगा मतलब स्क्वाड का 4 मेंबर और 3 मेंबर जब मर जाएगा तो आखिरी वाले बंदों को फाइट ना करते हुए भाई जॉम्बी से डॉच करना चाहिए,
जिससे भाई ऐसा होगा भाई तीनों तीनों टीममेट भाई जिंदा हो जाएगा। उसके बाद तुम तीन मिलके भाई उस जॉम्बी से फाइट कर सकते हो और भाई उस मैच को जल्दी से विन भी कर सकते हो। तो ये रहा भाई मेरा फोर्थ टिप्स है। और चैनल पे जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही भाई जॉम्बी मतलब ऐसे ही वीडियो ले गेम के लिए ऊपर वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।